हेलो बच्चों, आपका हमारे आत्मा एकेडमी चैनल में स्वागत है। हमने सारणिक पढ़ाई, आपको डिटरमिनेंट पढ़ाया है, डिटरमिनेंट समझाया है। और जब डिटरमिनेंट समझा रहे थे डिटरमिनेंट, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आया था माइनर और कोफैक्टर, उपसारणिक और सहखंड। तो वहां हमने बताया था कि भाई ये आगे आपको बताया जाएगा, लेकिन चूंकि वहां थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल करना पड़ा था, इसलिए हमने एक दो क्वेश्चन बताए थे। आज आपके एनसीईआरटी का 4.4 एक्सरसाइज में इसी चैप्टर के कंसेप्ट है, इसलिए इसको हमने उठाया है। तो अब इसको हम बताने जा रहे हैं कि भाई उपसारणिक क्या होती है। तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, माइनर निकालने का तरीका। देखिए, कोई भी डिटरमिनेंट, मैं डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स भी हो सकती है। अगर कोई भी डिटरमिनेंट मान लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपको इसके किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो, माने आपको 2 का माइनर निकालना है। मैं बार बार माइनर बोलूंगा, हिंदी वाले उपसारणी समझ लें मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी होगी वो इंग्लिश में ही होगी। तो माइनर ऑफ 2 जब निकालेंगे, माइनर ऑफ 2, तो देखिए इसको इंडिकेट कहते हैं, MIG। आई बोले तो इसका कौन सा रो है, जे बोले तो कौन सा कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम है, इसको M12 करते हैं। तो क्या होता है, जिस रो में उसको काट दो, जिस कॉलम में है काट दो, बचेगा क्या, 4, 7, 6, 9 तो 36 मान 6, 42 माइनस का 6 आएगा। शायद यही एग्जाम्पल वहां भी हमने दिया था, कॉमन नंबर्स थे तो लिख दिया हमने। इसके बाद एक हमने बताया था को फैक्टर, अगर निकालना हो को फैक्टर ऑफ 2, इसको आप सी से भी इंडिकेट करते हैं, ए से भी इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर ए से इंडिकेट किया गया A12, तो यहां भी वही चीज होती है, 4, 6, 7, 9। अंतर ये होता है कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है उसके साथ -1 रो प्लस कॉलम लिखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, तो इसके साथ -1 फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम लिखा जाएगा, यानी -1 फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम। तो ये आपका क्या आएगा, माइनस, और इसको अभी आप ओपन कर चुके हैं, 36 - 42, तो दिस विल कम +6। यानी अगर इसका आपको को फैक्टर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, -1 + 1, यानी -1 - 2 = +1। यानी ये प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में, इस प्रकार से प्लस माइनस ऐसे चलता है, प्लस माइनस ऐसे, इधर भी प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस। हमने इसलिए बताया कि अगर 2 × 2 की हो तो प्लस माइनस मत याद करिएगा, दो लगातार प्लस हो जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आपका माइनर को फैक्टर है। एक्सरसाइज 4.4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वहां भी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्योंकि कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है, थोड़ा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। एक डिटरमिनेंट दी हुई है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक डिटरमिनेंट दी हुई है, ए 2 - 4 = 3, 2 - 4 = 3। तो इन्होंने कहा कि आप इसके माइनस सभी एलिमेंट के निकालिए और को फैक्टर निकालिए। जरा देखिए ध्यान से, पहले हम माइनर निकालने जा रहे हैं, माइनर ऑफ 2 इंडिकेट क्या करेंगे, M11, क्योंकि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। क्या हमने बताया, जिस रो में काट दो, जिस कॉलम में काट दो, क्या आएगा, 3, अकेला है इसलिए डैड लिख दीजिए, कोई डिटरमिनेंट तो आई नहीं है। फिर माइनर ऑफ -4, इसका नाम क्या लिखेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, ये कट गया, कट गया, क्या आया, 0। फिर माइनर ऑफ 0, किस रो में है, ये सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, क्या लिखेंगे, M21, रो घटा कॉलम घटा, क्या आया, -4, माइनर ऑफ 3 इंडिकेट क्या करेंगे, M22, रो कॉलम क्या आया, 2। ये तो माइनर निकाल लिया हमने, ठीक है। अब मैं को फैक्टर निकालना हूं, सभी का को फैक्टर मतलब सेकंड, को फैक्टर ऑफ 2 कैसे लिखेंगे, A11, C11 लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में A11 लिखा गया है इसलिए मैंने लिख दिया, आप को फैक्टर को C लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या कहा,
जिस रो में जिस कॉलम में है उसके साथ माइनस वन टू पावर रो प्लस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये पहली रो पहला कॉलम है माइनस वन टू पावर वन प्लस वन इन, फिर रो और कॉलम काट दीजिए, बचेगा क्या थ्री, तो ये प्लस में आएगा तो वैल्यू क्या आएगी प्लस थ्री। ठीक है, अब को फैक्टर ऑफ माइनस फोर निकालना है आपको, को फैक्टर ऑफ माइनस फोर डाइस इंडिकेट करेंगे ए वन टू माइनस वन टू पावर वन प्लस टू इन टू, ये रो कट गया कॉलम कट गया क्या बचा जीरो, ये माइनस आएगा तो माइनस जीरो जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो हो गया। को फैक्टर ऑफ जीरो उन्होंने कहा सभी एलिमेंट के निकालिए, इसको क्या लिखेंगे ए टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन टू पावर टू प्लस वन इन टू, ये रो कटा कॉलम कटा क्या आया माइनस का फोर, ये भी माइनस आएगा तो प्लस का फोर आएगा। को फैक्टर ऑफ थ्री एम थ्री एम टू सॉरी ए टू टू माइनस वन टू पावर टू प्लस टू इन टू, रो कटा कॉलम कटा टू बचेगा तो प्लस का टू आएगा। तो इस प्रकार से सभी एलिमेंट्स के माइनस और को फैक्टर निकालने आपको पहले भी बताए गए हैं, ये तरीका है। सेकेंड पार्ट अपने आप करेंगे, सेकेंड का सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन दोनों में को फैक्टर ही निकाले सभी एलिमेंट के। ठीक है, एक पार्ट के कुछ हम पार्ट निकाले दे रहे हैं, कुछ अपने आप करेंगे, सभी एलिमेंट के निकालने के लिए कहा उन्होंने। तो मैं सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन लेके चलता हूँ, थोड़ा सा नंबर्स बड़े हैं, सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन लेके चलता हूँ। एक डिटर्मिनेंट दी है इन्होंने 104 105 -1 012, इन्होंने कहा फाइंड द कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, सबके निकालिए कोई भी निकाल लो एक दो, मैं वन का निकालता हूं माइनर ऑफ वन। अब आप कहेंगे साहब यहां तो दो वन है तो बहुत ज्यादा, लिख दो पहली रो के लिए फॉर फर्स्ट रो, फॉर सेकेंड रो अलग अलग लिख दो। अब भाई इसको इंट्रोड्यूस करना है, इसके बारे में बात करें इसके बारे में बात करें, तो आप लिख दो फॉर फर्स्ट रो, इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं फॉर फर्स्ट रो, ऐसा लिख दो। तो ये ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जब मैं इसकी बात करूंगा तो लिखूंगा क्या एम वन वन, हमने क्या कहा जिस रो में है काट दो जिस कॉलम में काट दो, जो बचा है चूंकि वहां पहले क्वेश्चन में सिंगल एलिमेंट था, यहां पर एक ये बचा फाइव माइनस वन वन टू, तो ये टेन हो जाएगा, ये माइनस माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू इलेवन, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन पढ़ाया गया है आपको। ठीक है, अब अगर इसी का को फैक्टर आपको निकालना होता को फैक्टर ऑफ वन इंडिकेट क्या ए वन वन, तो हमने कहा यही लिखेंगे माइनस वन टू पावर वन प्लस वन लिख देंगे और ये जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिख देंगे तो प्लस में आएगा इलेवन। अब आपके अब ये भी आ रहा था वो बाई चांस वो भी आ रहा था। अब जैसे हम थ्री ले लें माइनर ऑफ थ्री, सबके निकाले हैं माइनर ऑफ जीरो माइनर ऑफ फोर थ्री फाइव सबके लिए बोले उन्होंने, हमने निकाला नहीं है। थ्री किस रो में है सेकेंड रो में है फर्स्ट कॉलम में, तो इंडिकेट एम टू वन क्या करेंगे ये रो कट जाएगी कॉलम जीरो वन फोर टू जीरो वन फोर टू, तो टू माइनस फोर सॉरी जीरो माइनस फोर दैट इज माइनस फोर। अगर इसका को फैक्टर निकालना होता को फैक्टर ऑफ थ्री तो इसको लिखते ए टू वन माइनस वन टू पावर टू प्लस वन इन टू जीरो फोर वन टू, चूंकि ये आपका एक सेकंड ये आपका निगेटिव आएगा माइनस और ये आपका माइनस फोर आएगा तो दिस विल कम प्लस फोर। तो इस प्रकार से जितने भी एलिमेंट हैं सबके को फैक्टर और सबके माइनर निकाल लेंगे, ये इसका इंट्रोडक्शन है लिखने का तरीका। तो ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं एक उन्होंने डिटर्मिनेंट दे रखी है, उन्होंने कहा सेकेंड रो के सभी एलिमेंट का को फैक्टर निकाल, बस सब एक्सरसाइज पूरी इसी कंसेप्ट पर है, इसलिए ज्यादा उसमें डिटेल में हम हर क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, उसको बताए दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन का हो गया थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। थर्ड डिटर्मिनेंट को डेल्टा से लिखते हैं फाइव
3 8 2 0 1 1 2 3। तो आप कहेंगे एलिमेंट अपने आप लिख लो, ठीक है वो किताब के क्वेश्चन थे इसलिए अपने कहा लिख देते हैं। सेकेंड रो के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर सेकेंड। ये सेकेंड लिखने से मुझे एक चीज याद आ गई, जो आप रोमन नंबर लिखते हो ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें एस टी नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ही फर्स्ट होता है। बहुत लोगों ने देखा है कि सेकेंड लिखेंगे ऐसे रोमन नंबर में एनडी बना देंगे, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे इंटर में क्यों बता रहा हूं, चूंकि मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है इसलिए बता रहा हूं। आइए देखिए, पहले हम को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर ऑफ टू निकालते हैं, को फैक्टर ऑफ टू डायरेक्ट मुझे याद है ये प्लस माइनस होगा, लेकिन अगर मुझे नहीं याद है तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, 2 1, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है। क्या तरीका होता है, माइनस वन टू पावर रो प्लस कॉलम इन टू, ये रो कट गया है कॉलम कट गया, 3 2 8 3 3 2 8 3, ये माइनस आएगा, इसको बोलेंगे 3 3 9 माइनस 8 2 16, ये आएगा माइनस 7, तो माइनस 12 है माइनस 7, वैल्यू विल बी प्लस 7। ये किसका को फैक्टर निकला है आपका, 2 का। इसी प्रकार से को फैक्टर ऑफ 0 निकालेंगे, को फैक्टर ऑफ 1 निकालेंगे, ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चौथा अपने आप करिए, फिफ्थ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लीजिए तब समझ में आएगा। देखो ध्यान, एक डिटरमिनेंट लिख रखी है इन्होंने डेल्टा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और अभी हमने ए आई जे बताया है, और ये कह रहे हैं कोई एलिमेंट ए आई जे है, इसका को फैक्टर ए आई जे है, यानी A11 का को फैक्टर A11 है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना हम चाहते हैं, जरा समझिएगा, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं, मैं किसी भी एक रो या एक कॉलम के ऐलान कर रहा हूं, मैं इस कॉलम के ऐलान कर रहा हूं, अगर मैं A11 लिखता हूं तो ये रो कट जाएगा, ये कॉलम कट जाएगा, ये डिटरमिनेंट बचेगी, तो जब आप ये डिटरमिनेंट बचेगी क्या, A22, A32, A23, A33, ठीक है, एक्सपेंशन बताया गया है आपको। फिर आप ये माइनस लिखते थे A21, ये रो कट गया कॉलम कट गया, क्या बचा A12, A32, A13, A33, फिर प्लस लिखेंगे A31, ये रो कटा है कॉलम कटा, A12, A13, A22, A23, जरा ध्यान से समझिएगा, A11 ये है क्या, जब मैं A11 को काट के लिखता था तो ये इसका को फैक्टर होता था, अभी हम छोटे पहले बता चुके हैं कि ये एक तरीके से इसका को फैक्टर है। अगर मैं प्लस A21 लिखूं, माइनस में इसके साथ देता हूं, तो ये A21 का को फैक्टर ऐसे निकलता था काट के, तो ये A21 का को फैक्टर है और A31 का एक को फैक्टर है A31। तो जब किसी एक रो के एलिमेंट को उसके करिस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देते हैं तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। यानी अगर आपने ये रो लिया होता A11, तो इसका मल्टीप्लाई A11 से करते, प्लस A12 इसका मल्टीप्लाई A12 से करते, प्लस A13 इसका मल्टीप्लाई A13 से करते, तभी वही वैल्यू आती। आप इसके अलावा खोल दीजिए A31 × A31 प्लस A32 × A32 प्लस A33 × A33। आपने कहा प्लस क्यों लगा दिया भाई, आप चलो प्लस माइनस, वो को फैक्टर में माइनस एडजस्ट हो जाता है। जब को फैक्टर निकालते हैं तो किसी भी कॉलम के एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग अगर आप को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। और अगर आपने एलिमेंट किसी का लिया, को फैक्टर किसी का लिया, तो हमेशा हमेशा जीरो ही मिलेगा। तो इसका डी पार्ट सही है, इन्होंने A11 × A11 ये लिखा है डी पार्ट, हम जानबूझ के एक्सपेंड करना चाहते थे। तो इस प्रकार से एक को फैक्टर की छोटी सी एक्सरसाइज है, सो कर लीजिएगा।
इसके बाद आपको और थोड़े ऑपरेशंस बताए जाएंगे, इसके जॉइंट्स और निकाले होंगे, कुछ और होंगे। थैंक यू।